जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल यानी रविवार को ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। ये त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास होता है, पर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बकरीद पर क्यों दी जाती है बकरे की कुर्बानी, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये जानने के लिए बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। वैसे अगर आप ईद उल अजहा यानी बकरीद के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो उससे ही पता चलता है कि ये कुर्बानी का त्योहार है जो अल्लाह की राह में दी जाती है। इस त्योहार की पृष्ठभूमि में है अल्लाह का वो इम्तिहान जो उन्होंने हजरत इब्राहिम का लिया। अल्लाह ने एक बार उनका इम्तिहान लेने के बारे में सोचा, उनसे ख्वाब के जरिए अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी। हर बाप की तरह हजरत इब्राहिम को भी अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत थी। ये मोहब्बत इस मायने में भी खास थी कि इस्माइल उनके इकलौते बेटे थे और वो भी काफी वक्त बाद पैदा हुए थे। उन्होंने फैसला लिया कि इस्माइल से ज्यादा उनको कोई प्रिय नहीं है और फिर उन्होंने उनको ही कुर्बान करने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम जब बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात शैतान से हुई। उसने जानना चाहा कि वो अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें ये बताया कि वो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, तो उसने ये समझाने की कोशिश की कि क्या कोई बाप अपने बेटे की कुर्बानी देता है। अगर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तो फिर उन्हें देखभाल करने वाला कहाँ से मिलेगा। जरूरी नहीं कि बेटे की कुर्बानी दी जाए, बहुत सारी दूसरी चीज है, उन्हें ही अपनी सबसे प्रिय बताकर कुर्बानी क्यों नहीं देते। इस बात पर एक बार तो हजरत इब्राहिम को लगा कि ये शैतान जो कह रहा है वो सही है। उनका मन भी डोल गया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये गलत होगा, ये अल्लाह से झूठ बोलना हुआ, ये उनके हुक्म की नाफरमानी होगी। बेटे की कुर्बानी देते हुए उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना बेहतर समझा, ताकि बेटे का मुंह कहीं अल्लाह की राह में कुर्बानी देने में बाधा ना बन जाए। फिर उन्होंने जब अपनी आंख से पट्टी हटाई तो ये देखकर चौंक गए कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उसकी जगह एक बकरा कुर्बान हुआ है। तभी से बकरों की कुर्बानी का चलन शुरू हुआ। इसी वजह से इस त्योहार को बकरा ईद या बकरी ईद के नाम से जाना जाता है। बकरों के अलावा भेड़, ऊंट और भैंसे की भी कुर्बानी दी जाती है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो। उन्हें बहुत ही सम्मान दिए जाने की परंपरा है। कुर्बानी हमेशा बकरी ईद की नमाज अदा करने के बाद दी जाती है। बकरी और भेड़ पर एक व्यक्ति के नाम से कुर्बानी होती है, लेकिन ऊंट या भैंस पर 7 व्यक्ति अपने अपने नाम से कुर्बानी दे सकते हैं। कुर्बानी उस हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो इन जानवरों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो ये है बकरीद के पीछे की कहानी। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।